अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब दोस्तों का क्या हाल है जी? मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त कामरान सदीकी हूँ, एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यूएई के अंदर अगर आपके पास हैवी ट्रक का लाइसेंस है तो कितनी सैलरी में आप जो है वो जॉब कर सकते हैं? हैवी ट्रक का लाइसेंस यूएई के अंदर, दुबई के अंदर कितना ज्यादा आपको मदद उससे मिल सकती है, कितनी सैलरी तक आप उस पर जॉब कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। जो भी दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जो भी आपका सवाल है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नंबर वन बात यह है कि अगर आप यूएई के अंदर नए हैं और आप अपनी होम कंट्री में ट्रक के ड्राइवर हैं, अब आप ये चाहते हैं कि आप यूएई के अंदर ट्रक का लाइसेंस ले लें, उसके लिए जो आपको कॉस्ट आएगी वो आप अपने माइंडसेट में रखें कि 7,000 दिरहम से लेके 10,000 दिरहम तक जो है वो आपको कॉस्ट आ सकती है। डिपेंड करता है कि आप कितनी ट्राई पे जो है वो लाइसेंस लेते हैं, मतलब आप अपने आप को कितनी ट्राई पे लाइसेंस क्लियर करते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ट्राई पे क्लियर करते हैं तो आपका जो खर्चा आएगा वो 6,000 दिरहम से लेके 7,000 दिरहम तक आएगा। अगर सेकंड पे जाते हैं तो 7,000 दिरहम से लेके 9,000-10,000 दिरहम तक आपका एक्सपेंस आ सकता है। डिपेंड यही करता है कि आप कितनी ड्राइव पे जो है वो लाइसेंस को क्लियर करते हैं। जब आप लाइसेंस को क्लियर कर लेते हैं, जो कि आपका ट्रक का लाइसेंस होता है, तो बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं यूए के अंदर जिनको बहुत ज्यादा डिमांड होती है हैवी ट्रक ड्राइवर की। अब हैवी ट्रक ड्राइवर का सबसे ज्यादा जो काम है वो अबूधाबी के अंदर है। अबूधाबी के अंदर इसलिए काम है क्योंकि बहुत सी ऑयल की जो कंपनीज हैं वो अबूधाबी के अंदर है, और बहुत से ऐसे रास्ते हैं जो कि अबूधाबी से किसी दीगर स्टेट के साथ, किसी दीगर मुल्क के साथ जो है वो अटैच है। मिसाल के तौर पे सऊदी अरब के साथ या यमन के साथ, ऐसी मतलब बहुत सी कंट्रीज हैं जिनका रास्ता जो है वो आप कह लें कि अबूधाबी के साथ अटैच है। तो इसलिए बहुत से लोग जो हैं वो ट्रक ड्राइवर का जब लाइसेंस ले लेते हैं तो वो अबूधाबी में आ जाते हैं और अबूधाबी के अंदर जो है वो ट्रक ड्राइवर की जॉब मिलना ईजी हो जाता है और बहुत बड़ी तादाद में वहां पर डिमांड भी रहती है। कम से कम जो ट्रक ड्राइवर की सैलरी अबूधाबी के अंदर लगती है या यूएई के अंदर लगती है वो कम से कम जो है वो 3,500-4,000 दिरहम तक कम से कम सैलरी जो है वो ट्रक ड्राइवर की लगती है। अब ट्रक ड्राइवर की सैलरी में एक चीज ये भी होती है कि मिसाल के तौर पे अगर आपकी सैलरी लग गई है 3,000 दिरहम तो आपको जिस रूट पे आप जाएंगे, अगर तो आप कंट्री के अंदर ही कहीं पे डिलीवर करेंगे तो फिर भी आपको जो है वो पर डिलीवरी के हिसाब से भी जो है, जो आप जिस भी चीज को लेके आप जाएंगे पर ट्रिप के हिसाब पे भी जो है वो आपको पैसे मिलेंगे, वो 100 दिरहम हो सकता है, 200 दिरहम हो सकता है। अगर आप कंट्री से बाहर कहीं जाते हैं, मतलब आप सऊदी अरब जाते हैं, कुवैत जाते हैं, कतर जाते हैं, बहरीन जाते हैं, तो उसके लिए अलग से जो है वो आपको एक तो सैलरी आपकी बेसिक सैलरी होगी जो कि 3,000-2,500-3,500 दिरहम तक होगी, उसके अलावा कमीशन होगा आपका पर टूर के हिसाब से। आप सऊदी अरब जाएंगे, बहरीन, ओमान, कतर, किसी भी कंट्री में जाएंगे तो आपका वो भी होगा। तो इस लिहाज से कम सैलरी है वो 3,000-3,500-4,000 दिरहम तक है और ज्यादा से ज्यादा 6,000-7,000 दिरहम तक भी ट्रक ड्राइवर के जो ड्राइवर्स हजरात हैं वो यूए के अंदर सैलरी ले रहे हैं। तो बहुत से लोग ये कहते हैं, स्पेशली इंडियन ये कहते हैं कि क्या हमें ट्रक ड्राइवर की जॉब के लिए यूए में आना चाहिए? तो यूए में ट्रक ड्राइवर की बहुत ज्यादा डिमांड है, आप आ सकते हैं। ट्रक ड्राइविंग भी आप कर सकते हैं, बस ड्राइविंग भी आप कर सकते हैं, हैवी लाइसेंस पे आप बड़ी से बड़ी गाड़ी भी जो है यूए के अंदर ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपके पास जीसीसीआई लाइसेंस है तो वो लाइसेंस भी आप आके यूए के अंदर एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास आपकी होम कंट्री का लाइसेंस है, इंडिया पाकिस्तान का हैवी लाइसेंस है, तो उसका क्लियरेंस लेटर लेके यहां पे आए, उस पर भी आपको एक ड्रग ट्राई मिलेगी। अगर वो क्लियर करेंगे तो आपको यूए का लाइसेंस मिल जाएगा। तो इस तरह से आप जो है वो लाइसेंस भी ले सकते हैं और इतनी सैलरी में आके यूए के अंदर आप ट्रक ड्राइवर का जो काम है वो कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, जो भी दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच जी।